गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी सीरीज भी बोलते हैं। एपी सीरीज, तो एपी सीरीज क्या है? एपी सीरीज क्या है? तो एक हम लोग जो सीक्वेंस बनाते हैं, सपोज दैट जैसे कि 5 है और 5 में 5 ऐड करेंगे 10 हो गया, 10 में 5 ऐड करेंगे 15 होगा, 15 में 5 ऐड करेंगे 20 हो गया, 20 में हम 5 ऐड करेंगे 25 डॉट डॉट डॉट। ऐसे एक सीक्वेंस बन के एक सीरीज फाइंड होती है। यानी यह सीरीज कैसे फाइंड हुई है? 5 में 5 ऐड ऐड कर करके, तो ऐड करके मिला है। अगर मान लीजिए हम 100 ऐड कर दिए, 100 में से 10 माइनस कर दिए तो क्या होगा? 90 होगा। 90 में से 10 माइनस कर दिए तो 80 हो गया, 80 में से 10 माइनस कर दिए तो 70 हो गया। ऐसे हम कहाँ तक इसको सीरीज को फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई एक फिक्स्ड नंबर में कोई एडिशनल नंबर ऐड करते हुए और सब्ट्रैक्ट करते हुए जो सीरीज फाइंड होती है, उस सीरीज को हम बोलते हैं एपी सीरीज। क्या बोला जाता है? एपी सीरीज। अगर मान लीजिए जो फर्स्ट हम नंबर ले रहे हैं, इसको हम ए ले लें, ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ए इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 में 5 ऐड कर रहे हैं, तो जो हम इस नंबर में ऐड करते जाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डी। डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है। यानी जो इसमें सभी में जो डिफरेंस पाया जाता है उसको डी बोलते हैं। और जो फर्स्ट नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर ए, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और डी इज इक्वल टू, डी निकालना है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हो जाएगा 90 और फर्स्ट टर्म हो जाएगा 100, यानी हो गया माइनस 10। माइनस 10 हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। तो हम लोग एक्सरसाइज से देखते हैं आगे। तो एक्सरसाइज का 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? फर्स्ट है इसमें, अ टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फार इज रुपीज 15 फार द फर्स्ट किलोमीटर। यहाँ फर्स्ट किलोमीटर दिया है, फर्स्ट किलोमीटर मीन्स क्या हो गया? ए, ए इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। और एंड फार 8 फार ईच एडिशनल किलोमीटर, तो एडिशनल मतलब 1 किलोमीटर के बाद जितना किलोमीटर वो चल रहा है वो एडिशनल होता है, वह पर किलोमीटर चार्ज कितना है? 8 रुपीज है, 8 रुपीज है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो D होगा इक्वल टू क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर चार्ज 15 रुपीज़ हो गया, सेकेंड किलोमीटर चार्ज हो जाएगा A प्लस D, 8 रुपीज़। अब सेकेंड किलोमीटर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 15 और 8 और 23 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा थर्ड किलोमीटर जब जाएंगे तो टोटल चार्ज कितना पे करना होगा? और 23 में 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 31 रुपीज़ पे करना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए टैक्सी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर रुपीज़ 15 है, टैक्सी फॉर आफ्टर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाएगा तो क्या? 15 प्लस 8 हो जाएगा, यानी 23 रुपीज़ पे करना होगा। टैक्सी फॉर आफ्टर 3 किलोमीटर, यानी 23 प्लस 8 31 रुपीज़ हो जाएगा। टैक्सी फॉर आफ्टर 4 किलोमीटर, 31 प्लस 8 यानी 39 रुपीज़ हो गया। ऐसे ही सिक्वेंस हमारा बन जाएगा 15, 23, 31, 39 डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब कि इफ इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज इक्वल विच इज 8। सभी में हमारा जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है, सभी में क्या क्या है? 8 है, इसलिए यह क्या होगा कि ए एपी सीरीज है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर
व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो एक वैक्यूम पंप से सिलेंडर में से जो है कि गैस जो है क्या किया जा रहा है, आउट एयर आउट किया जा रहा है वन टाइम में, उसका पूरे वॉल्यूम का 1/4 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि इसका वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम भी है। अगर भी है तो फर्स्ट टाइम कितना उसमें से आउट किया जाएगा एयर, तो हो जाएगा भी माइनस भी बाई फोर इज इक्वल टू हो जाएगा 3V/4। वन टाइम में इतना रिमूव किया गया, सेकेंड टाइम क्या किया जाएगा, 3V/4 रिमेनिंग है माइनस 1/4 इंटू 3V/4 सेकेंड टाइम माइनस किया जाएगा, तो आपका रिमेनिंग कितना हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके और इसके सॉल्व करेंगे। तो हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं सेकेंड इसका देखें, लेट अमाउंट ऑफ एयर इनिशियली प्रेजेंट इन ए सिलेंडर इज इक्वल टू भी अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर पंपिंग आउट बाय द वैक्यूम पंप, भी माइनस भी बाई फोर हो जाएगा यानी 3V/4। अब सेकेंड टाइम क्या होगा, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट व्हेन वैक्यूम पंप अगेन पंप आउट एयर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4 भी माइनस 1/4 3V/4 यानी 3V/4 माइनस 3V/16। इसका एलसीएम लेंगे, 16/4 का 16 हो गया एंड 12V माइनस 3V/16 एंड 9V/16 हो जाएगा। तो सो द सिक्वेंस वी गेट इज लाइक भी हो गया, पहला तो भी रहेगा पूरा उसमें एयर भी था, फिर सेकेंड टाइम में 3/4 भी हो गया, थर्ड टाइम में 9V/16 ऐसे डॉट 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 सो। तो इसका टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालें, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस पहले का हो जाएगा -V/2 और सेकेंड का हो जाएगा -3V/16 यानी दोनों सेम नहीं है, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एपी सीरीज नहीं होगा। तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी सीरीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर डिगिंग का कॉस्ट कितना है, 150 यानी फर्स्ट हो गया तो ए हो गया, ए इज इक्वल टू 150 फर्स्ट मीटर एंड द रिसेस बाई द 50 फॉर इच सब्सक्वेंट मीटर, यानी इसके बाद जितना मीटर वो डिगिंग हो रहा है उसका कास्ट कितना है, 50-50 है। यानी कि अगर 2 मीटर वो डिग करेगा तो 150 प्लस 50 यानी 200, तो फर्स्ट मीटर का 150 हो गया, सेकंड मीटर का टोटल कास्ट हो जाएगा 200 और 250 एस सो वन। तो इसमें टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, 50-50 है, इसलिए एपी सीरीज है। फोर्थ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट है, 10,000 है, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 10,000 हो गया। इसके बाद इसका इंटरेस्ट 8% ईच ईयर होगा, तो यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 8% ऑफ 8% ऑफ द बैंक आफ्टर फर्स्ट ईयर, यहाँ पे हो जाएगा पी 1+R/100 फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। और इसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ द फोर ईयर, तो इट इज़ ए नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज यहाँ पे 2, 1, 3, 2 दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो कंपाउंड अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सेम आता, बट कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे वन ईयर में 1,000 का इंटरेस्ट लगेगा, फिर सेकेंड में क्या होता है
कि जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होता है वह सेकंड ईयर में इंक्लूड हो करके उसका इंटरेस्ट लगता है, तो इसलिए यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। सेकंड आपको बताना है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवेन बिलो। ए और डी दिया है, तो ए इज इक्वल टू 10 है, डी इज इक्वल टू 10 है, तो हमको क्या बताना है? फर्स्ट फोर टर्म, फर्स्ट फोर टर्म कौन कौन होता है? पहला ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है और ए प्लस 3D होता है, यानी इस टर्म में ए वन वन डी क्या होता है? मोर होता जाता है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 है, तो पहला टर्म क्या हो गया? 10 हो गया। दूसरा 10 प्लस 10 20 हो गया, और 10 प्लस 20 30 हो गया, फिर 40 हो गया, ऐसे डॉट डॉट डॉट। लेकिन तो हमको 4 ही टर्म, 1 2 3 4 टर्म। तो ऐसे ही सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू -2 है और डी इज इक्वल टू 0 है, तो इसके फोर्थ टर्म में अगर डी 0 है तो उसमें ऐड करने से भी जो वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? वन मिनट चेक करते हैं। ठीक वही है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए और डी इज इक्वल टू 0 है, तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी यानी -2 रहेगा, थर्ड टर्म भी -2 रहेगा, फोर्थ टर्म भी -2 रहेगा। और थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 4D इज इक्वल टू 3 है, तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी यानी कि ए -3, ए इज इक्वल 4 -3 1 आ गया, थर्ड टर्म 1 -3 -2 और फोर्थ टर्म -5, तो हमारा टर्म हो गया 4 1 -2 -5। ऐसे ही फोर्थ है, फर्स्ट टर्म है -1, डी इज इक्वल टू 1/2, तो हम सेकेंड टर्म निकालेंगे ए प्लस डी, दोनों ऐड करेंगे तो -1/2, थर्ड टर्म में -1/2 +1/2 0 हो गया, फोर्थ टर्म में और 0 प्लस 1/2 हो गया यानी 1/2, यानी आपका टर्म हो जाएगा -1 -1/2 0 1/2। फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म है ए इज इक्वल टू -1.25, डी इज इक्वल टू -0.25 है, तो हम सेकेंड टर्म निकालेंगे, ए प्लस डी फार्मूला है तो हमारा आ गया -1.50, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म प्लस डी हो जाएगा यानी ऐड कर दिए दोनों, -1.75 हो गया, फोर्थ टर्म इसको थर्ड टर्म प्लस डी हो गया, तो यहाँ -1.75 और -0.25 यानी -2.0, तो हमारा फोर्थ टर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द फॉलोइंग एपीएस, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमारा सीरीज दिया हुआ है, इसमें हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस राइट करना है, तो सिंपल सा है, फर्स्ट जो पहला ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 1 है, 1 - फर्स्ट टर्म 3 है, इज इक्वल टू -2 हो गया। ऐसे सेकेंड है, सेकेंड में ए इज इक्वल टू क्या करेंगे? -5 है, और डी इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म -1 और -5, तो हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, -1 + 5 इज इक्वल टू 4, ए और डी फाइंड हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट है इसका, इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट क्या है? ए इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, और डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितना है? 5/3 -1/3, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 1 माइनस होगा, 4/3। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, तो 0.6 ए इज इक्वल टू हो जाएगा और डी इज इक्वल टू हो जाएगा
सेकेंड टर्म 1.7 माइनस 0.6, तो डेसिमल है, तो डेसिमल का हम सेपरेट कैसे करते हैं? डेसिमल का सेपरेट करते समय हमको ध्यान देना रहता है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल राइट करना है, चाहे डिजिट लेफ्ट मोर हो या राइट मोर हो। तो हम ऐसे रख 1.7 और 0.6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1.1 हो, 1.1। और इसके बाद ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस, पहले चेक करना है कि विच आर फॉलोइंग आर एपीएस इफ दे फ्रॉम एन एपी, अगर ये एपी सीरीज में हो तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म। तो इसके कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और थ्री मोर टर्म भी राइट करना है। तो पहले हम कंसेक्यूटिव टर्म यानी टू टर्म के बीच का डिफरेंस देखते हैं, अगर सेम होगा तब तो एपी होगा, अगर सेम नहीं होगा तो नॉट एपी होगा। तो यहाँ पे हम 8 - 4 करते हैं तो 4 आ गया, 16 में से 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम नहीं है, इसलिए फर्स्ट एपी सीरीज नहीं। सेकेंड है 2 है और डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म D1 निकालिए, तो 5/2 - 2, इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो गया तो हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1/2। सेकेंड लेते हैं 3 - D2, 3 - 5/2, तो एलसीएम लेंगे तो इसका क्या 6 - 5/2 इज़क्वल टू 1/2, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम है तो यह क्या है? एपी सीरीज है, एपी सीरीज है। तो नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है थ्री टर्म, तो यहाँ पे टर्म हमारा 1, 2, 3, 4 है तो 5 आएगा, टर्म क्या आएगा? 5 आएगा, यानी T5 इज़क्वल टू T4 + D। T4 कितना दिया हुआ है? 7/2 + 1/2, यानी 7 में हम 1 ऐड करेंगे 8/2 = 4। T5 हो गया, T6 इज़क्वल टू T5 + D। T5 इज़ गिवेन है, T5 कितना? 4 है प्लस 1/2 है, तो 4 × 2 = 8, 1 = 9, 9/2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम T7 भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, T7 इज़क्वल टू T6 + D कर देंगे, तो T6 हमारा क्या है? 9/2 + 1/2, 10/2, यानी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो सेकेंड का हमारा ये आंसर है, सॉल्व भी है, नीचे सॉल्व भी दिखाते हैं आपको। फर्स्ट है 2, 4, 8, 16 है, इट इज़ नॉट एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट इक्वल, तो ये हो गया। सेकेंड है इट इज़ एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल है, इक्वल है तो यहाँ पे 5/2 - 2, 3 - 5/2 यानी 1/2 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो फिफ्थ टर्म 7/2 + 1/2 4 हो गया, सिक्स टर्म और 9/2 और 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -1.2 - 3.2 - 5.2 - 7.2। तो हम कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस आ गया आपका सेकेंड टर्म -3.2 - -1.2। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म -3.2 है और --1.2, तो -3.2 - -1.2, तो इन एक माइनस एक प्लस है सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन माइनस का मोर है नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2, 2.0 -2 आ जाएगा। और फिर ऐसे ही थर्ड टर्म -5.2
और प्लस क्या हो जाएगा 3.2, दोनों के डिफरेंस क्या आ जाएगा 0 और 2, यानी कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, इसलिए क्या होगा एपी सीरीज है। और नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मीन्स क्या हो गया फोर्थ टर्म माइनस टू हो गया, यानी कि -9.2। सिक्स टर्म -9.2 -2 यानी -11.2। सेवेंथ टर्म -11.2 -2 यानी -13.2। तो ये थ्री टर्म्स हो गए। फोर्थ है -10 -6 -2 और 2। इट इज एन बिकॉज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल, या एपी सीरीज होगा क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है इक्वल है, फोर फोर है। तो हम इसके नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हो जाएगा 2 + 4 यानी 6 हो गया, सिक्स टर्म 10 हो जाएगा और सेवन टर्म 14 हो जाएगा। देयरफॉर नेक्स्ट थ्री टर्म आर 6, 10 और 14। फिफ्थ वाला देखते हैं, यह भी एपी सीरीज है, यहाँ पे भी एपी सीरीज है क्योंकि इट इज एन एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल। इसको हम लोग चेक करते हैं कैसे इक्वल हो रहा है। तो इसका सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2 और -3, 3 3 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचेगा √2। ऐसे यहाँ पे है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 3 + √2 है -3 - √2। तो यहाँ पे -3 + 3 कैंसिल हो गया, √2 में से √2 माइनस होगा तो क्या बचेगा √2। तो सबका कॉमन डिफरेंस डी जो है √2 आ रहा है, इसलिए एपी सीरीज है। नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हो जाएगा 3 + 4 √2, फिफ्थ सिक्स टर्म 3 + 5 √2, सेवन टर्म हो जाएगा 3 + 6 √2। सेवन है, 0 है, -4 -8 12 है। तो हम डी फाइंड करेंगे, डी -4 -4 है, डी सेम है इसलिए एपी सीरीज है। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, -16 -4 -20 है और फिफ्थ टर्म है -12 -4 16 है, 16 -20 और -40। नेक्स्ट है एट, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम देखते हैं 0 आ गया और यहाँ क्या -1/2 आ गया, यानी सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। और डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट, अच्छा इक्वल, सॉरी यहाँ पे देखें -1/2 --1/2 यानी 0 आ गया, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 0 है। तो फिफ्थ टर्म -1/2, सिक्स टर्म -1/2। नाइन्थ 1 3 9 27 ए पी सीरीज नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इसलिए ए पी सीरीज नहीं है। नेक्स्ट है 8 2 8 3 8 4 ए पी सीरीज है क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म आर इक्वल है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म आपका हो जाएगा 5 a और 6 a और 7 a। 11 आपका है a² a³ a^4। इट इज़ नॉट एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म इज नॉट इक्वल, इसके टर्म इक्वल नहीं है, इसलिए यह जो है कि एपी सीरीज नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस √2 है, सॉरी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं तो √2 -√2 और 3√2 -2√2 यानी √2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इट इज एपी सीरीज होगा। नेक्स्ट थ्री टर्म, फिफ्थ टर्म हम फाइंड करेंगे, फिफ्थ टर्म हो जाएगा 4√2 + √2 5√2 और सिक्स टर्म हो जाएगा 5√2 + √2 यानी 6√2। सेवेंथ टर्म हो जाएगा 6√2 + √2 यानी 7√2। और नेक्स्ट है ट्वेल्थ है √3 √6 √9 √12। तो इट इज़ नॉट एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट इक्वल, या डिफरेंस इसका इक्वल नहीं, इसलिए एपी सीरीज नहीं है। नेक्स्ट है
ए स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर। इट इज़ नॉट एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज नॉट इक्वल, इसके इक्वल है नहीं। तो नेक्स्ट है आपका वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, 73 है। तो इसके हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है इट इज़ ए पी बिकॉज डिफरेंस कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज इक्वल है, जिसके कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल है, यानी 5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर इक्वल टू 24 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस डी 24 है। फिफ्थ टर्म 73 प्लस 24 97 हो गया। सिक्स टर्म 97 प्लस 24 121। सेवेंथ टर्म 121 प्लस 24 145। थैंक यू।